क्लास को शुरू करते हैं। तो जय माता दी टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम राजीव सिंह है। अथेंटिक एस्ट्रो एक कंपनी है जिसका सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप यूट्यूब पे अथेंटिक एस्ट्रो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां से आपको सारी डिटेल्स मिलती है। वहां पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो फ्री है। न्यूमोलॉजी के भी बहुत सारे क्लासेज हमने फ्री डाल रखा है, जो मार्केट में आपको बहुत सारे लोगों का देखोगे सेम वो जो वीडियो है वो 10,000 में, कोई 6,000 में उसको वीडियो सेल करता है। उस सारे वीडियो को हमने फ्री में डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, और कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से अथेंटिक एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म से न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और आपका वास्तु, प्लस अभी टेरो कार्ड भी हम लोग यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, प्लस अभी एक और साइंस लेकर के आ रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन हमारा कुछ अलग रिसर्च है। केवल मोबाइल नंबर और नेम नंबर से कैसे किसी का प्रेडिक्शन करना है, और मोबाइल नंबर के एक एक नंबर को हम लोग डिकोड करने का सिस्टम रिसर्च किया है हमने, कि केवल मोबाइल नंबर के जो 10 डिजिट के नंबर्स होते हैं उसको कैसे एक एक नंबर का कंजेक्शन देख करके कैसे उसको प्रेडिक्ट करना है, उस पर हमारा काफी सालों का रिसर्च है। तो वो भी हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, आ रहा है। तो अलग अलग चीजें हम लोग यहाँ पढ़ाते रहते हैं, और पूरे इंडिया में हमारे अलग अलग जगह पे ब्रांचेज है। जैसे संतोष सर जी पटना बैठे हुए हैं, अभी रूपा मैम आपका मुंबई में बैठी हुई है, मैं आपका यहाँ बैठा हुआ हूँ हेड ऑफिस में, आपका मुंबई में भी है, हमारा भुवनेश्वर में भी है जहाँ से सर अपना है सामल जी, तो यहाँ से भी उड़ीसा में भी अपना है, बेंगलोर में भी है, बहुत सारे जगह पे अपने अथेंटिक एस्ट्रो परिवार के लोग हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अथेंटिक परिवार का एक हिस्सा आप लोगों में से भी कुछ लोग हों। जितने भी अथेंटिक एस्ट्रो परिवार में लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं अथेंटिक एस्ट्रो से एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, और यहीं के लोग फिर जाकर के ब्रांच लेकर के अपना काम करते हैं, और रिसर्च में हम लोग लगे रहते हैं। नई नई चीजें हम लोग रिसर्च करके लेकर आते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जो हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि आप कहीं से भी न्यूमोलॉजी पढ़ के आइए या कहीं से भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आइए, कहीं से भी आप कितने भी बड़े से बड़े जगह से न्यूमोलॉजी का कोर्स करके आइए, आप मेरे यहाँ से पढ़िए, मैं ये गारंटी देता हूं कि जितना आपको आता है उसे 30% एक्स्ट्रा यहाँ पे रिसर्च मिलेगा, और एक कॉन्फिडेंस और एक तरीका मिलेगा प्रेडिक्शन करने का। ये किसी भी न्यूमोलॉजिस्ट के लिए, चाहे कितने भी बड़े से बड़े न्यूमोलॉजिस्ट मेरे पास आ जाएं, पढ़ाई करें इस अथेंटिक एस्ट्रो से, उनको वो चीज मिलेगा जो कभी कहीं से नहीं मिला है या अभी तक उनको नॉलेज नहीं है। वो हम लोग यहाँ पे रिसर्च करके कोर्स बनाए हैं और हम लोग पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर एनिमोलॉजिस्ट आके यहाँ से पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़े बड़े एनिमोलॉजिस्ट जिसको आप लोग जानते हैं कि वो लोग सोशल मीडिया पे काफी फेमस लोग हैं, जिनका हम लोग नाम कभी भी अपने स्टूडेंट का नाम उनका नहीं लेते जो लोग काफी फेमस है, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि हमारे नाम के प्रचार से अपना कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो हम लोग करेंगे, और यहाँ पे एक केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए जो हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी को सीखना है, तो देखेंगे कि इसमें भी हमारा कुछ यूनिक रिसर्च है जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, जो हम आपको यहाँ सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे प्रेडिक्शन करना है और प्रेडिक्शन करने के तरीका को कैसे इनहेंस करके इस कोर्स के माध्यम से या इस साइंस के माध्यम से प्रोफेशनली आप कैसे आगे जाके ग्रो कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो मैं संतोष सर से जाऊंगा कि वो अपने बारे में बताएं। जय माता दी सभी को, मेरा नाम संतोष सिंह है। जय माता दी मैम। हम लोग ये जर्नी आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि एक्चुअल में, जैसा शुरुआत में बात हुआ कि सीखना नहीं है कि ज्योतिषी क्या होता है, ज्योतिष क्या होता है, करना है इसको एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में फील करना है कि कैसे नंबरों को हम लोग कनेक्ट करें, कैसे प्लैनेट्स को हम लोग चेक करें कि सो दैट की ना बिल्कुल भी इवेंट को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाए हम लोग, पिन पॉइंट कर पाए हम लोग, और उसकी इंटेंसिटी को भी बता पाए कि इसमें ना कि इसका लेवल क्या होगा। ठीक है, तो ये जर्नी आई होप कि बहुत ईजी होने वाला है, बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग। कभी भी ये फील नहीं होगा कि हम लोग एक क्लास में, पहली बात तो ये, आपको हमेशा फील होगा कि हम लोग की एक छोटी सी गेट टुगेदर कहीं पे हो रही है, एंड वी आर टॉकिंग, वी आर हैविंग फन, एंजॉय कर रहे हैं, और करते करते एक एक चीज को बड़ी इजी तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, ये काम हमारा रहेगा, ये जिम्मा हम लोग लेते हैं कि ये बिल्कुल भी इजी वे में जाएगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्लास होगा हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अभी रूपा डाकुआ जी। सर मैं तो बोलूंगी, अभी जो सर ने बोला
कि हर क्लास में मतलब बहुत मजा आ जाएगा, पढ़ने के जैसा नहीं, हम सीखने के हिसाब से सीख लेंगे सब, मतलब गेट टुगेदर जैसा। और जैसे मैं हर क्लास में आ जाती हूँ सर, वापस केपी में भी आ गई एंड वापस यहाँ पे भी आ गई मैं, मेरी एंट्री यहाँ पे हुई। एंड सर मैं बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी से इतनी हेल्प हो रही है सर। पहले तो आपको पता ही है कि मैं क्या करती थी सर, अब तो सिर्फ मैं पूछती हूँ, नाम लेती हूँ और उनके डेट ऑफ बर्थ बस पूछ लेना है, इतने से ही मेरा काम आधा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये इन इन सबके साथ जितने भी यहाँ पे कलीग्स हैं हमारे, सबके सबका ये एक्सपीरियंस कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगा जो हमने भी किया है। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ सर। अभी सारी अभी जी भी मेरी एक मतलब क्लाइंट का ही कॉल था, इसके वजह से मेरी वीडियो गई, तो मुझे उनको अटेंड करना बहुत जरूरी था, तो मैंने बोला कि क्लास चल रही है अभी नहीं कर सकते, आपसे बाद में बात करते हैं ऐसे ही बोल के। पर बहुत मजा आएगा सर, क्योंकि मैं वापस भी मतलब मुझे तो मैं मुझे जितने बार भी बुलाया जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। मुझे तो पता है कि हर बार नया नया सीखने को ही मिलता है, कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है हर बार। थैंक यू अभिरूपा। अभिरूपा जी अभी हमारे यहाँ से न्यूमोलॉजी का कोर्स किया है, इन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स कर लिया है। वैसे ये आपका टेरो कार्ड मास्टर है, काफी टेरो कार्ड के पे पीएचडी कर रही है, बहुत अच्छा इनका रिसर्च है टेरो कार्ड पे। अभिरूपा जी के साथ ही मिल करके हम टेरो कार्ड लेकर के आ रहे हैं, जो टेरो कार्ड हम लोग पढ़ाएंगे, अभिरूपा जी ही पढ़ाएंगी वहाँ पे। और अभिरूपा जी अथेंटिक एस्ट्रो से न्यूमोलॉजी के पी सब कुछ किया है इन्होंने, बेसिक वास्तु भी सर गया, अभी ब्रांच लेकर के कोलकाता में अथेंटिक एस्ट्रो के साथ मिल करके अच्छा काम कर रही है, और एक कोलकाता में रहती हैं। तो जो लोग भी अगर उधर के लोग हों तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, तो इनको यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। और आप लोग भी जब 2-4-5 क्लास के बाद वैसे ही यहाँ पे फ्रेंड हो जाएंगे। हम लोग ना बताया ना कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ना संतोष सर पढ़ाते हैं, ना अभिरूपा जी कुछ पढ़ाती हैं, हम सब आप ही से सीखते हैं, और आपसे सीखते सीखते क्लास हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब हमारी पढ़ाई हो गई है। लेकिन ये गारंटी दे रहा हूँ दो चीजों का, एक तो ये कि आप लोगों में से किसी को भी ये एहसास नहीं होगा कि यहाँ ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, आपको ये लगेगा कि हम सब एक ही क्लासरूम में बैठे हैं और ऑफलाइन एक साथ पढ़ रहे हैं, इस तरह का इन्वायरमेंट आपको यहाँ मिलेगा। और 2 से 3 क्लास में आप लोग खुद बोलोगे कि ऐसा लग रहा है कि हम एक ही जगह बैठे हैं। यही रीजन है कि मैं बहुत बड़ा बैच नहीं बनाता, बैचेज हमेशा मैं छोटा करता हूँ, ताकि मैं एक एक लोगों को देख सकूं और एक एक लोगों से बात कर सकूं, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा सबसे पहले कि हमारे पास वंशिका शर्मा जी हैं, इन्हीं का इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद हम करते हैं। सर वैसे बेसिकली तो मेरा नाम वंशिका शर्मा है और मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और वैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, वाह 18 ईयर्स की हूँ अभी तो। वाह एंड मैंने 16 ईयर्स से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था न्यूमरोलॉजी का कोर्स, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज ली, तो मेरे को लगा कि प्रिडिक्शन करना ज्यादा अच्छा है, प्रोफेशनली किसी चीज को लेके जाएं, तो वहां से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो वहां पे एक चीज की कमी रह जाती थी कि एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, बिकॉज लोग ज्यादा अवेयर एस्ट्रोलॉजी को लेके हैं। सो मैंने सोचा कि कुछ न्यू है, जैसे केपी में क्या है कि ट्विंस में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें, क्योंकि कुछ नंबर का नेचर तो सेम ही है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो एनालाइजेशन सेम होगी। और एस्ट्रोलॉजी में भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिग्री का फर्क ही पड़ता है। सो इस वजह से केपी की तरफ मैंने स्विच किया। आपका मैंने फेसबुक पे वीडियो देखा था तो मुझे काफी अच्छा लगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कोर्स से कि आगे प्रोफेशनली इसको ले पाए और खुद की लाइफ में पहले हम इम्प्रूवमेंट करें और फिर वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करें और लोगों को, ताकि उन्हें बेनिफिट मिले। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार मैं सबसे चाहूंगा कि ये वंशिका जी के लिए क्लैपिंग कर दें प्लीज। सर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, मैं हैरान हो गई क्योंकि इतने यंग एज से वो स्टार्ट करिए तो पक्का मतलब बहुत आगे जाएंगे। जैसे अभी मैं सोचती हूँ कि और 10 साल पहले आना चाहिए था इस लाइन के लिए, तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों में से थैंक यू सबसे यंगर मैम। से हैं ये, 18 साल 18 ईयर्स की हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस के तरफ बढ़ चुकी हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ऑथेंटिक एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म से बिलो 25 ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको न्यूमोलॉजी का एक क्रैश कोर्स हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन अब क्योंकि अब आप आ चुकी है इसमें, और आई थिंक शायद ये ऑफर आपको मिला है, आप शायद एलिजिबल है, नहीं भी एलिजिबल होंगी तो आपको मैं एलिजिबल करूंगा। जो लोगों को भी मैं वेबिनार वाले दिन ऑफर दिया था कि जो लोग आज ज्वाइन करेंगे उनको मैं क्रैश कोर्स जो है फ्री में कराऊंगा, जो कि 5,000 का एक कोर्स है हमारा, हम 5,000 रुपये लेते हैं उस न्यूमोलॉजी कोर्स का, 5 डेज का वो कोर्स होता है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे, अगर आप नहीं भी एलिजिबल होंगी मैम वंशिका जी तो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बिलो
25 को हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। आपका 7 से कहीं रिलेशन तो नहीं है, 7 तारीख से, 7 नंबर से? सर मेरा ना मूलांक तो 5 है, भाग्यांक मेरा 7 है। और सर बहुत अच्छा लगा, और सर वो कोर्स का मुझे पहले ही भगवान की कृपा रही तो मुझे पहले ही वो कोर्स का मिल गई थी एलिजिबिलिटी, बट सर आपने ऑफर किया, थैंक यू सो मच सर। आप आइएगा, उस 5 डेज में ही आपको कुछ नया चीज सिखा देंगे। आपने जितना आपने सीखा है एनिमोलॉजी उस 5 दिन में कुछ हम आपको स्टेशन देंगे सर, वो ज्ञान तो कम ही होता जी ज्ञान तो सर, ज्ञान तो कितना भी ले ले वो कम ही होता है। तो हम सर 5 डेज वाला सिखाएंगे कोर्स, और बड़ा अच्छा लगा कि आप मतलब हैं, 7 आपका है वो आपके बात करने से पता चला। थैंक यू सर। तो आज जैसे अरुण जी हैं, इनका सेकंड हाउस जुपिटर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आई थिंक बहुत ज्यादा चांस है कि जुपिटर इनका सेकंड हाउस में होगा, अभी सेकंड हाउस रिलेशन में होगा, सेकंड हाउस इनका जुपिटर से। सर वो मेरे है जुपिटर सेकंड हाउस में। सर मेरा सेकंड हाउस, सर मेरा सेकंड हाउस से रिलेशन है गुरु का, है ना, गुरु का और केतु का। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? मेरा भी तो सेकंड हाउस में जुपिटर है सर, मेरा है जी सर। क्या बोला किसी ने, कुछ और बोला संजय जी, कुछ बोल रहे थे सर, क्या बोला संजय जी? सर मेरा भी तो सेकंड हाउस में जुपिटर है। अभी आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आते हैं। तो ये चीजें हैं सर, निमोलॉजी में एक पावर है कि आदमी से बात करते करते बहुत हद तक बहुत सारे लोगों का नहीं पता चलता है, बहुत सारे लोगों का निमोलॉजी में केवल बात करो तो पता चल जाता है कि ये आदमी इस नंबर से रिल हो रहा है, इस आदमी के पास ये वाला नंबर है, खाली बात करने से। डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं है, खाली सामने वाला बोलेगा ना। हमारे न्यूमोलॉजी के क्लासेज में हम कई लोगों का, हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दिया, मतलब वो बचपन से लेके 40 साल 50 साल के एज तक जिस डेट ऑफ बर्थ को जी रहे थे हमने पूरा चेंज कर दिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, उन्होंने बोला यही है, हमने उनके पूरे लाइफ के इवेंट को मैच करा दिया कि आपका ये डेट ऑफ बर्थ नहीं, इस डेट ऑफ बर्थ से अपने आप को मैच करो, एग्जैक्ट मैच करेगा, उनका पर्सनल ये सब कुछ चेंज कर दिया, और उन्होंने एग्जैक्टली मैच किया तो बोले हाँ यही है। ये हम लोग कोर्स में करते हैं, निमोलॉजी वाले कोर्स में, कि डेट ऑफ बर्थ सामने वाले का चेंज कर देते हैं, भैया आपका ये डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, हटाओ, आप बेकार जी रहे हो, गलत डेट ऑफ बर्थ में जी रहे हो, तो वो सब हम करेंगे। तो ये है, चलिए अब हम चाहेंगे संतनु कुमार दीक्षित जी से कि आप अपने बारे में परिचय दें। आप शायद शॉप में बैठे हैं, किस चीज का शॉप है सर आपका, ये भी बताइएगा। बोलिए सर, अपने बारे में दीजिए परिचय, म्यूट अनम्यूट कीजिए सर। सर मैं सैनिटरी और ये कलर का शॉप है मेरा। किस चीज का है? सैनिटरी और कलर। अच्छा अच्छा जी सर, अपने बारे में दीजिए इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना अपने बारे में बताएं सबको। सर मैं तो उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, भद्रक डिस्ट्रिक्ट से। सर ऐसे मेरा जो दोस्त वगैरह है और थोड़ा लाइफ में जो डिफिकल्टी था इसको कोई एस्ट्रोलॉजर के साथ शेयर करते करते थोड़ा बहुत नॉलेज इसका ऊपर आ गया, और थोड़ा बहुत किताब में मैंने भी नॉलेज क्रिएट किया। ऐसे सर करता है और क्या, लाइफ का तो चल रहा है ऐसे। जैसे मेरे को आपका जो इंट्रोडक्शन था यूट्यूब में, इसको देख के थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट लगा कि चलो थोड़ा, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे पूरा 100% जानने के लिए चीज क्या है, एक बार अगर लाइफ में ये ऐड हो जाएगा तभी तो कुछ ना कुछ 100% मेरे को बेनिफिट्स मिलेगा। दूसरे से उसमें इसको लेके कमा सके नहीं सके, लेकिन खुद का लाइफ में और रिश्तेदार का लाइफ में तो उसको भी ऐड कर सके ना, इसीलिए सर मैं थोड़ा। कहाँ से बोल रहे हैं सर, कहाँ रहते हैं आप? सर भद्रक उड़ीसा। भद्रक उड़ीसा। अच्छा संतोष सर, एक आश्चर्य लग रहा है ना, पिछले कई क्लासेस से ऐसा हो रहा है, पिछले कई बैचेस से ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसे जहाँ लोग उड़ीसा के लोग नहीं है, बाकी कहीं क्या नहीं बोलूंगा, रिपीटेशन सब जगह का नहीं हो रहा है, लेकिन उड़ीसा एक ऐसा स्टेट हो गया है हमारे लिए कि हर बैच में एक लोग या दो लोग हमारे हैं। अभी जो कंटिन्यू मेरे दो बैचेस चल रहे हैं वो दोनों बैचों में है, और आज देखिए दो लोग आप लोग भी आ गए उड़ीसा से। सर एक बार आप उड़ीसा आ जाइए, साथ में मिलके जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए चले। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं सर, आते हैं, अब तो आना ही पड़ेगा, इतना जगन्नाथ जी बुला रहे हैं।
हमारे उड़ीसा में ऑलरेडी ब्रांच भी ऑथेंटिक एस्ट्रो का, रंजन दास जी है वहाँ के ब्रांच है। मैं तो ऐसे सर भुवनेश्वर में एस्टेब्लिश हूँ, भुवनेश्वर में रहता हूँ, मेरा फैमिली भुवनेश्वर रहता है, लेकिन यहाँ मेरा जो बिजनेस है यहाँ पे एस्टेब्लिश है, इसीलिए मैं यहाँ पे महीना में लगभग 20-25 दिन रह जाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आते हैं सर एक बार, भुवनेश्वर ही आते हैं, सबको उस समय इन्फॉर्मेशन देंगे, सबसे मिलेंगे। आइए तो बोलिए, थोड़ा जाएंगे साथ में मिलकर जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए, लाइफ में तो एक बार करना चाहिए, जगन्नाथ जी का दर्शन तो कम से कम होना चाहिए एक बार। आपको पता है मेरे जो एक उड़ीसा के जो स्टूडेंट थे जो रंजन दास जी हैं, वो किसी शायद जिंदल कंपनी में जीएम है या क्या है, अच्छे पोस्ट पे हैं, और वो आए थे मेरे से उड़ीसा से स्पेशली यहाँ मिलने, जगन्नाथ जी का जो वो प्रसाद होता है जो उसमें, हाँ 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 हाँ, वो और जगन्नाथ जी का जो आप लोगों का एक हैंडक्राफ्ट होता है ना, जो वो हाथों से आप लोग बनाते हैं जगन्नाथ जी का एक चीज, हाँ जी सर, वो उन्होंने वहां से बनवा कर लाए थे, मेरे को ऑफिस में भेंट दिया था इसी जगह पे। सर आप आइए ना, तो बहुत सारा चीज दिखाएंगे यहाँ पे आपको, आते हैं लाइफ में जो चीज आपको कभी आपको विश्वास नहीं होगा वो चीज मिलेगा आपको। अरे आप लोगों ने दिल खुश कर, सर जनवरी में पक्का आता हूँ मैं उड़ीसा, आइए सर, जनवरी में आप लोगों से आके मिलता हूँ। ठीक है सर, सर आप आएंगे तब ना मालूम चलेगा कि ओडिशा का आदमी कैसा है बोल के, आपको पता चलेगा। आप लोगों ने मंत्र मुक्त कर दिया मेरे को, हर बैच में ओडिशा के लोग हैं, हर बैच में आदमी तो समझ में आ गया सर। हम कुछ काम हमारे लिए है, हमारे लिए काम होता है, अभी हमें उड़िया भाषा सीख लेनी चाहिए जिस तरीके से ये संख्या बढ़ रही है, उसको तो जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। जैसे भी टूटी फूटी करके हम लोग बात कर लेंगे, उसमें जो भी कम से कम कनेक्शन हो जाएगा, प्रॉपर कनेक्शन होगा, अरे हमारा काम होता है। अभी हमारे दो बैचे चल रहे हैं, दोनों बैच में हमारे उड़ीसा के लोग हैं, और एक न्यूमोलॉजी का चल रहा है और एक केपी एस्ट्रोलॉजी का, ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, दोनों में मतलब एक न्यूमोलॉजी में भी एक उड़ीसा के और केपी में भी है उड़ीसा के, और यहाँ देखिए फिर केपी में दो दो लोग उड़ीसा के, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। धन्यवाद संजय जी, अभी अपना आप दे ही दीजिए इंट्रोडक्शन, उड़ीसा उड़ीसा ही। जय जगन्नाथ, मैं उड़ीसा, मेरा ओरिजिनल घर तो है केंद्रापड़ा जाजपुर टाउन के पास, लेकिन हम राउरकेला में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जियो में फील्ड इंजीनियर में जॉब कर रहे थे, जस्ट कोरोना का पीरियड में हम जॉब छोड़ दिए, छोड़ने के बाद में पहले से न्यूमोलॉजिस्ट हम किए हुए थे, तो हम पाइथागोरियस, लोसोगेड, कवाला, डॉक्टर सोलेमानो, ये सब न्यूमोलॉजी से सीखे हुए, लास्ट में मेरे को सबसे मिला जुला के हम अपना एक तो निकाले हैं और उसी हिसाब से हम ट्रेडिशन देते हैं, ठीक है, और हम रहते हैं उड़ीसा में, अभी स्पेशली प्रोफेशन कर लिए हैं न्यूमोलॉजिस्ट को, न्यूमोलॉजी काम को टोटल जॉब छोड़ के इसी में हम लगे हुए हैं। हाँ सर देखता हूँ, भगवान का कृपा से, अच्छा भगवान का कृपा से जॉब से अच्छा मेरा इनकम आ जा रहा है, उससे अच्छा है, कोई खराब नहीं है। ये ना संजय जी, मैं सबसे बोलता हूँ कि भैया जो आप जॉब में 9-10 घंटा नौकरी करके जितना आप मेहनत करके जो चीजें नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, वो है आपके पास टाइम, परिवार के लिए टाइम, पैसा। प्लस क्या हुआ इसमें जॉब में जाएंगे तो 12 घंटा ड्यूटी है, इसमें अपना घर में रह के आप कर सकते हैं, ऊपर से प्रेस्टीज वाला बिजनेस है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ते रहेगा कंटिन्यू। वही बोल रहा हूँ सर, तीन चीजों की प्रॉब्लम है नौकरी में, पहला प्रतिष्ठा, दूसरा पैसा, तीसरा टाइम। टाइम को आप भूल ही जाओ, पैसा भूल जाओ, जो आप मिल रहा है भैया 9 घंटे में, अगर 50,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी, तो 1 ही लाख आएगा, 2.5 लाख नहीं हो सकता, और टाइम तो भूल ही जाओ, और प्रतिष्ठा की भैया हमेशा प्रेशर में ही हो, बॉस की ये वाली प्रेशर, वो वाली प्रेशर, ये साइंस जो है अगर ओरिजिनल में आपको आता है, ओरिजिनल में आप एस्ट्रोलॉजर हैं, साइंस में इतना ज्यादा प्रतिष्ठा, इतना ज्यादा पैसा है, और इतना ज्यादा आपके पास टाइम है कि टाइम की कोई कमी ही नहीं है। जैसे अभी मैंने कोई प्लान नहीं किया, आपने बोला उड़ीसा आ जाओ, मैंने बोला जनवरी में आ रहा हूँ, कौन सा कल आना है, कल ही फ्लाइट लेंगे चले आएंगे, क्या करना है, कोई कहीं अप्लीकेशन नहीं डालना बॉस को कि मैं जा रहा हूँ, भैया मेरे को 5 दिन का छुट्टी दे दो, आ जाएंगे जगन्नाथ जी, जितना दिन रखेंगे 10-15 दिन वहीं रहेंगे, क्या करना है, वहीं से पढ़ाई चलेगी, वहीं क्लास चालू हो जाएगा, एक लैपटॉप ही तो रखना है बैग में, और क्या रखना है। ये फ्रीडम जो है, प्रतिष्ठा जो है, आज के डेट में सर कम से कम पूरे इंडिया की बात करो, वर्ल्ड का तो बात कर लो, वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड के कई कंट्री के लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन पूरे इंडिया में इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, इतने बड़े बड़े पुजारी, जो मंदिर के पुजारी, आपके उड़ीसा में एक पुजारी ही आचार्य जी जो किसी मंदिर के बहुत अच्छे पुजारी हैं, मेन पुजारी हैं, और वो हमारे यहाँ से न्यूमोलॉजी कर रहे हैं,
इतने बड़े बड़े आचार्य जी लोग आकर के जब यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे को कितना सौभाग्य दिया है। जी अरुण सर जैसे, आपका मथुरा प्रसाद जी जैसे, संजय जी जैसे, ऐसे लोग हैं, दीक्षित जी हैं, ऐसे सारे लोगों को हम जो है पढ़ा रहे हैं, हम लोगों से कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि मैं सर आपको बता दूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना यहाँ पे संतोष जी ब्राह्मण है, हम लोगों को ना हमारे परिवार में ना पूरे खानदान में कोई ब्राह्मण नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ना इनके पूरे खानदान में कोई रिलेशन में कोई एस्ट्रोलॉजर है। हमारा एक पैशन है, हमने इसको दिल से सीखा और हमने सीख करके मेहनत किया और मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज लोगों को ये शिक्षा दे पा रहे हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और इस लाइन से सर बेटर कोई लाइन ही नहीं है। अगर प्रतिष्ठा से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो कुछ लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है, लेकिन मैं कहता हूं उसमें एस्ट्रोलॉजर की कोई गलती नहीं है, मैं मानता हूं। इसलिए कि आज के डेट में जितने लोग कुंडली दिखाने आते हैं ना, सब कहते हैं मेरा भाग्य ही बदल दो। एक काम करो पंडित जी, आप आ गए हैं गुरु जी, आप ना मेरे भाग्य में प्रॉब्लम है, इसको एकदम खत्म कर दो। तो आप एकदम पैर पढ़ रहा हूं, आप पैसा ले लो, लेकिन भाग्य खत्म कर दो। ये हमें बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर की औकात नहीं है जो आपका भाग्य चेंज कर सके, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं खुलेआम बोलता हूं हर वेबिनार में, हर क्लास में, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी वास्तु विशेषज्ञ हो, किसी में औकात नहीं है कि आपका भाग चेंज कर दे। अगर इतनी औकात होती उसमें, चाहे मेरे में चाहे किसी में भी, तो वो सबसे पहले अंबानी बन के बैठा होता, यहाँ बैठ करके क्लास नहीं ले रहा होता और फेसबुक पे जाके ऑनलाइन लाइव जा करके लोगों का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा होता। मैं क्लियर मानता हूं। और किसी में इतनी क्षमता है, ये वीडियो हो सकता है सोशल मीडिया पे जाए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर में इतना क्षमता है, चाहे उनका 51,000 रुपया फीस क्यों ना हो, मैं दे रहा हूँ, 1,00,000 रुपया क्यों ना हो, मैं दे रहा हूँ, मेरे को अंबानी बना दे, हो ही नहीं सकता सर। प्रडिक्शन करना और किसी का भाग्य बदलना, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो आप अपने बारे में जानने जाओ, जो वाकई में आपका आप पैदा क्यों हुए हो, इस सृष्टि पे आने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, आपका सोल क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहां कहां आपके लाइफ में एडवांटेज है और कहां कहां आपके लाइफ में डिसएडवांटेज है। अगर केवल इसको आपने पकड़ लिया ना सर, तो लाइफ की आधा प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है सावा मन घी का आचमन देने का, और कोई जरूरी नहीं है आपको जाकर के कि शनि महाराज का जो है एकदम 7 शनिवार को जाकर के एकदम वहीं पर पड़े रहो, कोई जरूरी नहीं है। अगर खाली इतना जान लिया, हाँ रेमेडी है, रेमेडी की जरूरत है, शनि महाराज को तेल चढ़ाना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, सावा मन घी जलाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए नहीं जरूरी है कि आपका भाग्य बदल जाए, नहीं बदलता सर। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हो जो लोग भाग्य को बदल सकते हैं तो प्लीज मेरे को जरूर बताना, मैं उनका शिष्य बनूंगा और मैं अपना प्रेडिक्शन उनसे कराऊंगा। ठीक है सर, उनको सर मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर, उनका ना खुद का भाग्य नहीं बदला आज तक, तो उसमें थोड़ा है इश्यू। जो आप जो कह रहे हैं, आपकी बात 100% सही है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी का भाग्य नहीं। मैंने वीडियो डाला ना, जब मैंने वीडियो डाला तो बड़ी एस्ट्रोलॉजर का मेरे पास कॉल आया, कुछ तो मेरे स्टूडेंट ही थे कहीं मुंबई से, कहीं कहीं से कॉल आया, अरे सर आपने एस्ट्रोलॉजी छोड़ दिया क्या? मतलब क्या हो गया? बोला आपने तो बोल दिया कि किसी एस्ट्रोलॉजर में हिम्मत ही नहीं है, औकात ही नहीं है जो भाग्य बदल दे, इस टाइप का वीडियो बनाओगे तो कौन कुंडली दिखाने आएगा। बोला अरे भाई कुंडली दिखाने तो आज भी लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं भाग्य नहीं बदलता, मैं उसको उससे मिला देता हूँ कि भाई तेरा जन्म इसलिए हुआ है, तेरे लाइफ में ये चीजें दिख रही है, ये प्रॉब्लम है, ये तेरा फायदा है, इसको कर लेगा तो तू और आगे बढ़ जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम है थोड़ा बच जाएगा तो थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। मैं इतना ही बताता हूँ भैया, बारिश हो रही है आज, बाइक से ना जाके ओला उबर कर ले, ओला के गाड़ी से चला जा, अच्छे से ऑफिस पहुंच जाएगा, आज बारिश होने वाली है, दैट्स इट। ये जानकारी, ऐसा नहीं है कि मेरे में हिम्मत है कि मैंने बारिश, अरे तू आ गए ये ले जो 50,000 रुपया दे दिया तूने मेरे को, आज बारिश ही छोड़वा देता हूँ, इंद्र भगवान से बोलता हूँ कल बरस लेंगे, आज नहीं बरसेंगे भैया, आज तो संतनु दीक्षित को जाना है ऑफिस, आज मत बरस तू, कल बरस लेना। ये काम मैं नहीं करता। जैसे कि कोई डॉक्टर आपको डायबिटीज है और जाकर के डायग्नोस हो जाता है, तो डॉक्टर आपका डायबिटीज ठीक नहीं करता है, लेकिन वो आपको बता देता है कि ये आपको परहेज करना है और ये आपको एक्सरसाइजेज करनी है, तो आपका डायबिटीज जो है शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यही एस्ट्रोलॉजर का काम है बस। और इतना दिखाने के लिए अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं ना, तो कभी कोई हमसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ना कोई कोई चीट कर पाएगा।
एस्ट्रोलॉजर की इतना ही काम है, और इतना ही अगर आपको जानकारी हो गया, अगर नहीं जानकारी हुआ, मान लीजिए डायबिटीज है किसी को और उसको पता ही नहीं है कि डायबिटीज है, वो मीठा खाए जा रहा है एकदम पड़े पड़े सीट पे एकदम बैठे बैठे दुकान चलाए जा रहा है, प्रेडिक्शन किए जा रहा है, क्या होगा एक दिन शुगर इतना ज्यादा होगा, मल्टी ऑर्गन फेल्यूअर होगा, मर जाएगा। तो भैया हमने शुगर ठीक नहीं किया डॉक्टर ने, लेकिन डॉक्टर ने बता तो दिया कि डायबिटीज है, भैया तू मीठा मत खा, तू ये एक्सरसाइज कर ले, बच जाएगा, इतना काफी है, इतना काम है एस्ट्रोलॉजर का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं मथुरा प्रसाद जी के पास और चाहते हैं कि इनके मुखारविंद से कुछ आए। जी सर, मेरा नाम मथुरा प्रसाद, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं 1 से 1.5 साल हो गए मुझे वैदिक सीखते सीखते, लेकिन मुझे ना सटीकता में पहुंचना है, इसलिए मैंने केपी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वैदिक में सटीकता नहीं आ पा रही जो मैं लाना चाह रहा हूँ उसमें। तो बस यही है कि हाँ ये काम हो सकता है, लेकिन होगा कब और होगा कि नहीं होगा ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं हो पा रहा, इसलिए सर मुझे केपी सीखना है कि बिल्कुल केपी में मैंने सुना है कि 100% रिजल्ट है, तो बिल्कुल कुछ काम जिस टाइम पर होगा तो होगा ही, तो इसलिए सर मुझे केपी सीखना है। सीखेंगे सर, सीखेंगे, थैंक यू सर। आप थोड़ा लाइट सही कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड में आपका प्रकाश है और आपके ऊपर प्रकाश नहीं है, कहीं ना कहीं एक नंबर की या सूर्य की कमजोरी है। तो अभी मैं चाहूंगा किससे बात करूं, हाँ चलिए और मथुरा जी के दोस्त से बात कर लेते हैं, अरुण कुमार जी से। जी अरुण जी बोलिए। सबसे पहले तो राजीव सर आपको कोटि कोटि नमन, और मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बंधु, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अरुण कुमार है, आचार्य नहीं कहूंगा आपकी क्लास में, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर बनने आया हूँ। आचार्य कहिए सर, आप आचार्य हैं या आचार्य कहिए, अच्छा लगता है। और मैं करीब 2012 से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ, और मैंने 2 साल खुद से अपनी स्टडी करी, और बस आपसे मथुरा प्रसाद जी मेरे काफी अच्छे घनिष्ठ मेरे गुरु भाई भी हैं, और मेरे घनिष्ठ मित्र भी हैं, और मेरे बड़े भाई भी हैं, और इवन मैं अपने घर की सारी पाठ पूजा इनसे ही करवाता हूं। तो इन्होंने मेरे से जिक्र किया आपके विषय में, बताया कि यार ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और ताकि हमारे अंदर और भी सटीकता और एक्यूरेसी आए प्रेडिक्शन के अंदर। मैंने कहा मथुरा प्रसाद जी आपने कह दिया, आपकी बात को पानी है, जरूर सीखेंगे। तो मैं इनकी बात हमेशा इनके आदर माड़ा मान सम्मान करता हूँ, और मैं इनकी बात को हमेशा मानता हूँ, तो इसी वजह से मैं आपकी इस क्लास में एडमिशन लिया मैंने। और मेरी उम्मीद ये है कि जो मैंने सीखा अब तक, उस ज्ञान में मेरी वृद्धि हो जो आप हमें पढ़ाए, और इस ज्ञान से मैं समाज का भला कर सकूं। मैं अपना खुद भी प्रोफेशनली मेरा काम है, और मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीखता हूं, और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूं। मैंने मतलब इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आके मैंने ऐसे मतलब समाज सेवा ही करना है सर, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से मैं 2000 से जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब को 22 साल हो चुके हैं, और मैं 12th के बाद ही लग गया था, और मैं सोशल सेक्टर फील्ड में ही काम किया है, एनजीओ और ये सब मेरे अंडर में है, 75 ऑर्गेनाइजेशन मेरे अंडर में काम करती हैं। और बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए, सटीकता है, और भी मैं समाज की सेवा करूं, और बस सीखना है सर, और सीखना है, और सिर्फ सीखना है सर, और सीख के कुछ एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है। तो आपको मैं नहीं सर, सीखेंगे तभी तो एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, सीखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनना है। मैं आपको डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजर सर, कि आप इस क्लास के बाद मथुरा प्रसाद जी को जाके थैंक यू बोलेंगे कि आपने मेरे को एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सर। वो मैं पहले बोल चुका हूँ उनको, क्योंकि उनका जो निर्णय और जो उनकी जो एडवाइस है मैं कभी भी डिनाई नहीं करता हूँ, इवन मेरे परिवार में भी जो वो बोलते हैं तो उनकी बात को पानी दिया जाता है। हैव अ बिग एक्सपीरियंस फ्रॉम मथुरा प्रसाद जी, हैव अ बिग नॉलेज, और एक बड़े अच्छे विद्वान हैं, उनको कर्मकांड का बड़ा, मुझे नहीं लगता कि इतना आसपास मेरे कोई ऐसा बंदा रहा होगा कर्मकांड से संबंधित, हैव अ बिग नॉलेज, और बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हैं वो, मेरे उनके पारिवारिक संबंध भी हैं, और शी इज वेरी नाइस गाय, मैं यही कहूंगा। बाकी आपकी शरण में है सर, जो आप ज्ञान से सब लोग ज्ञान की गंगा में से, हमारे शरण
ज्ञान की गंगा में से जो गोते निकलवा के आप हमें बनाएंगे, हम सर वही बनेंगे। अपनी कृपा और मेरे सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। के लिए हम सब मिलके अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने, ऐसा आशीर्वाद दें। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम रहेंगे, चलेंगे ज्योति प्रकाश साहू जी को। जय माता दी सर, बस सीखने आए हैं और इससे आगे कुछ नहीं। सीखना नहीं है सर, एस्ट्रोलॉजर बनना है, क्योंकि सिखाते तो हम आए नहीं, तो सीखोगे कहाँ से। सीख सीख के बन जाएंगे, बन बन के सीख। ये सही है, ये सही है जी। कहाँ से बोल रहे हैं ज्योति प्रकाश जी? सर उड़ीसा। अरे बाप रे, तीन उड़ीसा, वाह। कहाँ से उड़ीसा में? उड़ीसा का बरगढ़ सर। वाह वाह, ग्रेट। आप तो संतोष सर उड़िया सीखना। मानस जी आप बोलिए। हेलो जी सर। नमस्ते सर। बोल रहे सर, हम वेस्ट बंगाल बदनापुर से बोल रहे हैं। हमको कहाँ से आप बोल रहे हैं सर? सीखना है। आवाज कट रही है सर, कहाँ से बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल बदनापुर। वेस्ट बंगाल बदनापुर से। बदनापुर से, अच्छा हाँ। वेस्ट बदनापुर। जी जी, बदनापुर जानते हैं। वेस्ट बदनापुर जी। हाँ सर। तो आपको एस्ट्रोलॉजी निमोलॉजी क्या है? नहीं सर, हम आपका दो तीन वीडियो देखे, उसके बाद हमको अच्छा लगा। उसके बाद हम सोचे एक चीज के लिए हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि दो साल जो कोरोना के लिए बंद हुआ, इसमें तो 1 से लेकर 9 तक नंबर है, फिर भी सबका हालत एक ही कैसा क्यों हुआ? ये तो एस्ट्रो है, इसको देखा जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग होगा, मैं बताता हूँ, थोड़ा वैदिक का ये बात है। जितने भी ग्लोबल वार्मिंग होते हैं या बड़े कोई घटना घटता है ना, उसमें 3 प्लैनेट सबसे मेजर इम्पैक्ट डालते हैं, जिनका नाम है नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस। ठीक है सर, आगे हम देखेंगे अगर कोई टॉपिक आया तो, क्योंकि ये वैदिक बात है और इसको हम लोग देखते हैं। बहुत बड़ा ग्लोबली कोई घटना होता है तो उसमें ज्यादा इम्पैक्ट करता है, इसलिए आपको उसमें बहुत सारा चीज नहीं दे पाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बहुत ही सटीक साइंस है। अच्छा। आपको भी हम सिखाएंगे, अभी रूपा डाकुआ जी भी बंगाल में कलकत्ता से ही हैं, तो आपको अच्छा। भी कोई ये सपोर्ट चाहिए तो अभी रूपा जी मिलेंगी आपको, ऑथेंटिक एस्ट्रो परिवार के हिस्सा आए हैं और अपना कलकत्ता में ब्रांच है जिसका ये लीड करती है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, नमस्कार। चलिए तो आज हम पढ़ाई करते हैं, आज हम शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? आज हम लोग ये देखते हैं, जैसा कि हमने बात किया था वेबिनार में जो लोग ज्वाइन किए थे, कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको देखना होता है। अगर कोई नेटल आता है और उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुंडली बनाते हैं। हम यहाँ पे गणित ज्योतिष का बात नहीं करेंगे, केवल और केवल फलित ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये फलित ज्योतिष में हमें देखना कैसे है, तो यहाँ पे जैसा कि जो लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 360 डिग्री का है, और इस 360 डिग्री के पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में बांट दिया गया है, और बांटने के बाद जो एक घर का जो एक भाग होता है उस भाग का जो डिग्री बना या साइज बना, लेंथ बना, 360 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड को हम कुंडली मानते हैं। जब आदमी जन्म लेता है तो उस समय इस पूरे ब्रह्मांड में जो प्लैनेट जहां पे होता है वहां से आपके ऊपर जो दृष्टि देता है उसी का हम लोग एक स्नैपशॉट लेते हैं और उस स्नैपशॉट को कुंडली में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी के हम बात करते हैं एक कुंडली। कुंडली बेसिकली क्या है? वो ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड को हमने 12 भागों में बांटा, और 12 भागों में बांटने के बाद जब हमने देखा तो एक जो भाग है उसका जो साइज होता है वो 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगी 30 × 12 करेंगी तो 360 डिग्री होगा, 360 / 12 करोगे तो 30 होगा, राइट? तो बड़ा आसान सा मैथ है। ठीक है, उसको ही हम लोग एक घर के रूप में बना दिए हैं और उसी को हम हाउसेज बोलते हैं। कैसे? उसको हम आज एक शेयर करते हैं आप लोगों के साथ स्क्रीन, और उसमें हम देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने का। केपी एस्ट्रोलॉजी हम लोग सीखने आए हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो कृष्णमूर्ति जी का ये पद्धति है, वहीं से हम लोग ये करते हैं। मान लीजिए कि एक डेट ऑफ बर्थ लिया, कुछ भी ले लेते हैं, नाम हम रख देते हैं ABCD, मेल मान के चलते हैं, और उसका डेट हम भर देते हैं, आज ही का डेट होगा, महीना आज ही होगा, लेकिन साल हम रख लेते हैं
साल कितना रख लेते हैं, 95 रख लेते हैं, 95 आज का 95 रख लेते हैं, ठीक है जी। टाइम अभी का ही मान लेते हैं कि अभी एक बच्चे का जन्म हुआ है, और प्लेस हम मान के चलते हैं कि गुड़गांव है, और इसको हम कुंडली में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस अभी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ये करना होगा, सब्र करना होगा। अभी आज केवल हम लोग प्रेडिक्शन लेवल पे जाते हैं, जैसा कि वहां पे बताया था ना, ये ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उसमें ये मानस जी ये तीन प्लैनेट देखना होता है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, क्योंकि ये तीन प्लैनेट हमारे से बहुत दूर हैं, और ये बहुत ज्यादा दूर होने के वजह से क्या होता है कि ये हमारे ऊपर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए हम इसका आप क्लास में भी कोशिश नहीं करेंगे बात करने का। ठीक है, इतना तो सबको पता है, मैं मान के चलूं कि 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, इतना तो पता है माना जी आपको? हाँ सर। हाँ ठीक है, ग्रेट, सबको पता है, ये तो पता है ना आप सबको कि 12 राशियां होती है और 9 प्लैनेट होते हैं। थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ, आप लोगों को, उन लोगों से नहीं बोल रहा हूँ जिनको, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो बिल्कुल नहीं है उनसे बात कर रहा हूँ। ज्योति प्रकाश जी आपको पता है ना? पता है, ठीक है। तो 12 राशियां होती है और 9 प्लैनेट होते हैं, 7 जो होता है मेन प्लैनेट होते हैं, और 2 जो होते हैं छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबके बराबर वेटेज दिए गए हैं, किसी का कोई कम और किसी का कोई ज्यादा वेटेज नहीं है, सबकी पावर सेम है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग नंबर के गेम खेलेंगे, यहाँ पे हम नंबर से प्रेडिक्शन करेंगे। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको लगेगा कि अरे ये तो नंबर का गेम यहाँ भी है। न्यूमरोलॉजी में हम 1 से लेकर 9 तक का नंबर का बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं 1 से लेकर 12 तक का, ठीक है। 12 नंबर होता है और उसी 12 नंबर से हम लोगों का प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि जो ये प्रेडिक्शन है, अभी हम लोग डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हाउसेज के कि ये क्यों बन रहा है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि ये कुंडली जो अभी आपके साथ बनाया मैंने आपके सामने, ये केवल आज है, आगे से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, अगर आप लोगों में से कोई चाहे कि आज ही अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहता है तो दे सकता है, मैं आपके आप लोगों का कुंडली बना दूंगा, कोई भी फूल फ्री है तो आप अपना भी कुंडली दे सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा ले लीजिए, लेकिन ये सोशल मीडिया पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, आपका ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं बाहर के लोगों का डेट ऑफ बर्थ नहीं लूंगा। आप बोलिए वंशिका जी, आप बोलिए, आपका एक मिनट, वंशिका ऐसा ही लिखती है ना, सही बोला ना? जी सर, यही लिखती हूँ सर, वंशिका शर्मा जी, जी डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। आज हम इस पे बात करेंगे 3 इवेंट पे, एक तो शादी, एक हम बात करेंगे आपका डाइवोर्स, और एक हम बात कर लेते हैं आपका लव रिलेशनशिप कि कैसे देखा जाता है, ठीक है, 3 चीजों पे बात करेंगे। अब यहां पे देखिए ये कुंडली बन गया, तो बहुत लोगों की आंखें चौंक गई, देखिए सेकेंड हाउस में जुपिटर भी है, चलिए गुड, वैदिक है। अब मान लीजिए कि वंशिका जी का एक कुंडली बन के आ गया हमारे पास, और इसमें अगर इनके कोई पेरेंट्स आता है या वंशिका जी खुद आती हैं और बोलती हैं कि मेरा मैरिज कब होगा, शादी कब होगी, ठीक है जी, समझ आ रही है, सब बोलते रहना, नहीं तो पता लगे मैं अकेले ही बोल रहा हूं। तो हमें जैसे ही ये देखने को मिलेगा, हमें अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, ये जो 2 कुंडली बनी है, जन्म लग्न कुंडली और नारायण भाव, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हमें देखना है ये वाली जो विषोत्तरी दशा है, जिसमें महादशा शनि का चल रहा है, जुपिटर का दशा चल रहा है, और राहु का इनका अंतर दशा चल रहा है। कल ही वेबिनार में बड़ा डिबेट हुआ था राहु के ऊपर, राहु का इनका अंतर दशा चल रहा है, राहु का जब अंतर दशा चल रहा है, और इस समय अगर इनके पेरेंट्स आते हैं और शादी के लिए कहते हैं कि शादी कब होगी, मैं अपने लड़की का शादी करना चाहता हूं क्योंकि 18 इयर्स की है, फिर भी मैं करना चाहता हूं, आप ये बताइए कि 2022, 2023, 2024 कब शादी प्रॉमिस बता रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग वैदिक से देखें या चाहे कैसे भी देखें, तो सबसे पहले इस कुंडली को देखेंगे, लेकिन हम इस कुंडली को देखने का आज बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल ये विषोत्तरी दशा और एक नंबर को, ये नंबर जो लगे हैं,
तो जैसा कि मैंने बताया है वेबिनार में भी और यहां भी आपको दोबारा से बता रहा हूं कि शादी के लिए जो हाउसेस चाहिए, थोड़ा सा हम आ जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं प्रोफेशनली, अरुण जी या वंशिका जी, आपको भी एस्ट्रोलॉजी आती है क्या? सर थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, बेसिक नहीं बात करते हैं, एडवांस वालों से बात नहीं करेंगे। तो शादी के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है? सर प्राइमरी हम सेवेंथ हाउस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद शादी करने के बाद क्या होता है, हमारी इच्छा की पूर्ति होती है? जी सर, तो इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस, इमीडिएट फैमिली का हाउस कौन सा होता है? सर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, बस हमें तीन हाउस की व्याख्या करनी होती है जब भी कोई नेटल आता है, तो यहाँ पे लग्न कुंडली में हम सेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस और सेकंड हाउस को देखते हैं कि क्या कह रहा है, उसी हिसाब से हम बात करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे हाउसेज का बात ही नहीं करेंगे, हम करेंगे कि 2711 अगर इस ग्रिड में दिखा रहा है तो हमारी शादी हो जाएगी। उससे पहले एक कंसेप्ट होता है कस्पल सबलोड का। कस्पल सबलोड क्या होता है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कस्पल सबलोड है जो 1 से लेके 12 तक है, ये जो भाव है 1 से लेके 12 तक, भाव भाव किसको बोलते हैं वंशिका जी, भाव किसको बोलते हैं? सर जो कुंडली के घर होते हैं। हाँ, जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको मैं बता दूं, ये जो है ब्रह्मांड है पूरा, और पूरे ब्रह्मांड में ये जो है 12 भाग में जब बांटा गया तो ये 12 के 12 ब्लॉक बने, और ब्लॉकों में हाउसेज या भाव या घर बोलते हैं कुंडली में, तो इसको बोलते हैं। तो ये 12 के 12 भाव में सब हाउसेज को में काम के लिए एक एक प्लैनेट को डिप्लॉय किया गया है, यानी कि ड्यूटी दिया गया है कि आपको 12 हाउसेज में से जो जिस हाउस का जो काम है उस काम को कराने के लिए एक प्लैनेट को जिम्मेवारी दी गई है। ठीक है वंशिका जी, समझ रही हैं आप? जी सर। ठीक है, आप कैमरा अनम्यूट ही रहिए। यहाँ पे हम 1 से लेके 12 हाउसेज हैं, सारे घर के कुछ ना कुछ काम होता है। तो अभी हमने देखा कि शादी के लिए हमारी बात हो रही है, तो शादी के लिए क्योंकि सेवेंथ हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है, लड़का है या लड़की अगर सेवेंथ हाउस अगर आपका एक्टिव नहीं है तो शादी नहीं हो सकता है, ये तो क्लियर है। तो हम सेवेंथ हाउस में यहाँ पे जाकर के देखेंगे कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलोड कौन है। ये सेवेंथ हाउस का पूरा यहां तक है, ये वाला हम आगे पढ़ेंगे ट्विंस में। तो ये देखिए यहां तक ट्विंस में इसके बारे में बात होगी, अभी हमको केवल और केवल देखना है सेवेंथ हाउस का। ये जो है नक्षत्रा हो गया चंद्रमा, दिख रहा है वंशिका जी, और नक्षत्रा हो गया राहु। जी सर। हम उप नक्षत्र यानी कि कस्पल सबलोड इसको बोलते हैं, और ये जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और ये इसको ड्यूटी दिया गया है राहु को कि आप जब भी कोई काम शादी से रिलेटेड या सातवें घर से रिलेटेड काम है, तो शादी के लिए क्योंकि सातवां घर हाउसेज एकदम फिक्स है, तो शादी से रिलेटेड जो भी वर्क होगा उसको करने वाला होगा राहु। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कभी भी आपकी जिंदगी में शादी होगी, कभी भी लाइफ में, तो शादी के समय आपका राहु चाहे महादशा में हो, अंतरदशा में हो, प्रियंतर दशा में हो, चाहे दशा में हो, जरूर ही जरूर दिखेगा, चाहे नक्षत्रा लॉर्ड पे चाहे सब लॉर्ड पे। ठीक है जी, ये गारंटी होगा कि राहु जब भी आएगा शादी कराने के लिए बात करेगा, ये एक हमने यहाँ पे प्रॉमिस ले लिया। यहां तक सबको समझ आ रही है? संतनु दीक्षित जी आपको समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। बिल्कुल, अब हमने क्या किया, हमने आपको बोल दिया कि भैया आपको ये चीजें लेनी है, तो अब इसमें आगे क्या करनी है, हम लोगों को नंबर देखना है कि 2711 क्योंकि अभी ये नेटल आई है हमारे पास शनि गुरु और राहु के समय में, तो हम देखेंगे कि क्या सबसे पहले हम महादशा, कोई भी इवेंट को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है महादशा का प्रॉमिस। महादशा अगर आपको प्रॉमिस नहीं करेगा तो उस इवेंट को होने में बहुत मुश्किल होगी, ना के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम दशा, उसके बाद हम अंतरदशा को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे हम सबसे पहले क्या चल रहा है, अभी शनि का महादशा चल रहा है, तो शनि का ये घर है इसको हम शनि बोलते हैं, ये तीनों घर को शनि बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में,
ये जो है तीनों घर, इसका क्या प्रॉमिस है ये भी हम आपको बताएंगे कि ये तीनों घर का मतलब क्या है। ये तीनों का तीनों शनि है, ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है। यहाँ पे शनि राहु शुक्र लिखा है, दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है आप लोगों को, आपको दिख रहा है वंशिका जी? यस सर, दिख रहा है। यहाँ पे शनि राहु है, ये तीनों शनि ही है। शनि आपका प्लानेट हो गया, ये इसका राहु इसका नक्षत्र हो गया, इसका उप नक्षत्र जो है वीनस हो गया, ठीक है। तो अब शनि में देखेंगे 2711 को चेक करेंगे कि क्या 2711 शनि में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहां देखिए शनि में 7 यहां आ रहा है, आ रहा है। मैं एक बार फिर से पेन से लिखने का कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे शनि में 1 तो 7 यहाँ आ गया जी सर, प्रॉब्लम, ठीक है। तो शनि में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये दिख गया कि आपको यहाँ पे 2 दिख गया 7, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए 11, ये प्लस यहाँ पे 2 और 11 यहाँ पे भी है, ये वाला, ये देख रही हैं जी सर, ये पूरा 2 11 और ये आ जाएगा 7, 2711 का ये ग्रुप बन गया। यानी कि राहु क्या कह रहा है, फर्स्ट नजर में हम अगर देखें तो आगे हम आपका इसको पावर भी निकालना दिखाएंगे कि राहु का कितना परसेंट पावर है आपका शादी कराने के लिए। शनि में हम सबसे पहले देखेंगे कि शनि क्या कह रहा है, शनि कह रहा है कि शादी हम करा देंगे, यानी महादशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करके 2711 दे रहा है तो आपकी शादी हो जाएगी। शनि कह रहा है हम तैयार है शादी कराने के लिए। अब हम आ जाएंगे जुपिटर पे, यानी कि गुरु पे। गुरु भी यहाँ पे क्या कह रहा है, 2:11 का बात कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2:11 बहुत अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन 2 और 11 कह रहा है कि इमीडिएट फैमिली हम बना देंगे और आपका डिजायर भी फुलफिल करा देंगे, ठीक है वंशिका जी। उसके बाद आएंगे अंतर दशा राहु में, राहु में आ जाएंगे तो देखेंगे कि 2711 का बात क्या राहु कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे भी 2 और 11 आ रहा है, राहु में 7 नहीं आ रहा है जी सर, यानी कि अभी जो ये चल रहा है आपका जुपिटर चल रहा है, ये बहुत अच्छा जो है वो प्रॉमिस तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोशिश किया गया तो शादी हो सकती है, लेकिन प्रॉमिस आपको बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, इसको हम एक कह के चलेंगे, आगे हम सिखाएंगे कि कैसे। अब यहां से हम सब में आते हैं, केतु में देखते हैं, तो केतु में देखिए मैम 2711 आपको दिखा रहा है वंशिका जी, कहीं तो सर 2 और 11 तो दिखा रहा है बट 7 नहीं है, 7 नहीं है। यहां देखिए राहु में भी 2:11 है, 7 नहीं है जी। यहां पे अब आ जाते हैं वीनस में, वीनस में देखिए 11 11 11 2, यहां पे भी 7 नहीं दिखा रहा, ठीक है। यहां पे दिखा रहा है क्या 2 11 7? यहाँ पे क्या कह रहा है ये, यहाँ पे 2711 का बात कर रहा है क्या मंगल में? सर यहाँ पे 11 है ओनली, और राहु में 2 और 11 है और गुरु में 2 है, मतलब यहाँ पे 7 नहीं है जी सर। यहाँ पे राहु में भी वही है, यानी कि आपके जो कुंडली है उस कुंडली में केवल एक प्लानेट है जो 2711 का बात कर रहा है, वो कौन सा है? शनि। शनि और आपका महादशा में शनि है जी सर। अब आप देखेंगे कि जब भी आपका लाइफ में शादी होगा, इसको लिख के रख लीजिएगा, जब भी आपका लाइफ में शादी होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि शनि का महादशा चल रहा है, जो कब तक है ये देख लेते हैं हम। सर वो तो अभी खत्म हो जाएगी दिसंबर में शायद, हाँ जी दिसंबर में खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपका 4 दिसंबर को 22 को मरकरी आ जाएगा जी सर, बुध आ जाएगा। बुध, बुध में अब आप देखिए कि क्या कह रहा है आपका, 2:11 का बात कर रहा है, 7 का बात नहीं कह रहा है जी सर। अब एक चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 7 का बात नहीं कर रहा, लेकिन अब हम एक चीज और देखेंगे जो आप लोगों को हम आगे बताएंगे, ठीक है। वो क्या देखेंगे कि
इसका पावर कितना है ये आगे हम निकालेंगे, ठीक है। तो शादी के लिए मैम जो आपका समय चल रहा था ये शनि कह रहा था कि प्रॉमिस कर रहा था। अब यहाँ पे एक और प्लैनेट होता है जिसको आप लोग सीखिएगा, केपी एस्ट्रोलॉजी के रूल में हर एक इवेंट के लिए एक प्लैनेट और डिसाइडेड है, ये इसका कारक है। तो जब हम शादी का बात करते हैं तो वीनस को बोलते हैं कि ये शादी का सपोर्टिंग प्लैनेट है, और वीनस के पेट में 2711 होता है। क्या होता है? वीनस के पेट में 2711 होता है। ऐसा बोलने का मतलब ये हो गया कि 2711 आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि वीनस में 2711 है। लेकिन वो 2711 तब काम करेगा जब उसमें आपका एक एंटी नंबर, जो नो मैरिज का नंबर होता है, नो मैरिज का नंबर जो होता है वो क्या होता है, कैसे बताएंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला हमने बताया था वेबिनार में, किसी को याद है? यस सर। सर जो 12th हाउस होगा ना, जैसे 7th है तो उससे 12th हो गया 6, हाँ, तो वो हाउस की आसान भाषा में हम क्या बोलेंगे कि जिस इवेंट को करने के लिए जो हाउस जिम्मेवार होता है उससे ठीक पहला हाउस, ठीक पहला हाउस उसको खत्म करने का जिम्मेवार होता है। दोनों एक ही लैंग्वेज हो गया, थोड़ा सा 12 घर काउंट करने में ना कई लोगों को यहाँ परेशानी हो सकती है, तो मैं हमेशा आसान सा बात करता हूँ कि जो घर जिस काम को बोलता है उसका ठीक पहला हाउस उस काम को खत्म कर देगा। तो जो नंबर, हम यहाँ नंबर पे आ जाते हैं क्योंकि ये नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो जो नंबर जिस काम को करने के लिए बोलता है उसका ठीक पहला नंबर उसको खत्म कर देता है। तो 7th का सिक्स ठीक पहला हाउस क्या होगा शांतनु जी? सर अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। सिक्स सिक्स सिक्स। और टू का पहला हाउस क्या होगा? वन। और आपका 11 का पहला हाउस क्या होगा? टेंथ। टेंथ। तो हम नो मैरिज का जो नंबर होता है जिसको डाइवोर्स का भी नंबर बोलते हैं वो होता है 1 6 10। अब हम देखेंगे कि वीनस में पेट में तो 2711 है, लेकिन पेट में 2711 होने के बावजूद अगर वहां पे 1610 और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर वीनस में है तो वीनस भी आपको डिनाय कर देगा। समझ आ गई आप लोगों को? अब आपको मैं दिखाता हूं यहां पे वीनस का रोल क्या है। तो वीनस के रोल में आप लोग यहां देखिए कि क्या है, आप लोगों को यहां पे वीनस में 1610 दिखाई दे रहा है किसी को? 1610 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नो सर, शुक्र में नहीं है। शुक्र में क्या नंबर है? केवल 1610 में से कौन सा नंबर है ये? ओनली 10। ओनली 10 है। ओनली 10 का भी हम आपको मतलब आगे चल के समझाएंगे कि अगर खाली 10 आया है और वो खाली 10 1 6 के साथ नहीं आया है तो इसका क्या मतलब होगा मैरिज लाइफ में, ये भी हम लोग वहां देखेंगे। इट मीन्स ये कह रहा है कि क्योंकि 11 11 11 इच्छा की पूर्ति, 2 भी आ रहा है तो इमीडिएट फैमिली बढ़ेगी, तो ये दोनों नंबर बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो मैं ये कह लिख के दे सकता हूं कि वीनस के जब भी महादशा दशा अंतरदशा आएगा तो आपके मैरिज के लिए सपोर्ट करेगा, ठीक है मैम। अब यहां से हम देखते हैं कि मरकरी में आपका जो मरकरी महादशा आ रहा है उसमें भी क्या 1610 बात कर रहा है क्या? 1610 बात कर रहा है क्या? 1610 है क्या इसमें? यस सर, 1 और 10 है सर, ये 1 और 10 है जी सर, यानी कि 6 नहीं है। नहीं है, 6 नहीं है ना? यस सर। मरकरी जब आपका महादशा में आएगा तो हम देखेंगे कि इसमें 10 कितने बार है, 2 एक बार है, 11 एक बार है, 9 है, इसके साथ में 9 भी है, 4 भी है, 3 भी है। तो मरकरी का दशा कब तक है आपका? अब हमको लग रहा है कि मैरिड का लेना चाहिए तो और ज्यादा अच्छा, चलो कोई नहीं। आप देखिए मरकरी आ जाएगा तो मरकरी मैम आपका साथ चलेगा 17 साल, 17 साल यानी कि 2039 तक। 18 और 17 कितना एज हो जाएगा? 37 35 साल ना, नहीं 18 दुना 36 35 साल होगा, 35 35 35
35 एज में तक इनका यही चलेगा। अब इसमें जब भी वीनस और शनि आएगा वो देखेंगे कि हम शादी में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आएगी, दशा और अंतर दशा के लिए इनको वेट करना पड़ेगा। और शादी जो होगी वो आगे चल के हम दिखाएंगे कि आपको कितनी टेंडेंसी, कौन से तरीके से आपकी शादी होगी, क्योंकि शादी आपका बहुत आसानी से दिख नहीं रहा है, ठीक है, उसका रीजन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे कि आपका कैसे इसको देखना है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अगर वीनस शनि और मून, ये देखिए मून में भी सेवन सेवन दो लेवल पे दिखा रहा है, क्योंकि शनि का ही सेवेंथ है, तो सेवन जहां शनि रहेगा वहां सेवन रहेगा। यहाँ देखिए चंद्रमा में भी आपको सेवन सेवन दिखा रहा है, और क्योंकि ये आपका उसमें उतना ज्यादा एंटी नहीं कर रहा है, तो हम आगे चल के देखेंगे कि चंद्रमा का रोल आएगा और आपके शादी करा देगा। लेकिन जब भी शादी होगा उसके प्रयंकर दशा में या दशा में आपका राहु दिखेगा ही दिखेगा। ये एक मेथड हो गया। अब आते हैं हम ये देखते हैं, ठीक है, ये होता है लव। लव दिखता है तो आगे चल के मैम कुछ ऐसा होगा जो आपकी मैरिज होने वाली है, वो ऐसा कुछ हो सकता है आगे चल के आपको दिखेगा कि आप एक तो डिले, बहुत जल्दी शादी करने का आप नहीं सोचेंगे, बहुत जल्दी आपका प्लान नहीं होगा मैरिज करने का। ये सही है गलत है? शादी करने का जो टाइम होगा आगे चल के, इतने ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, इतना ज्यादा मतलब प्लूटस लव जो कि होता है बहुत अलग तरीके का एक नेचर होता है जिसमें चेंजिंग करती जाएंगी, और इनको लगेगा कि मुझे अभी अपने आप को बहुत बड़ा बनाना है और जाकर के शादी करनी है। तो उस स्थिति में देखने को मिलेगा इनको कि शादी जब करेंगे ना तो एक अलग ही तरीके का इनका बहुत अच्छा आसानी से अरेंज मैरिज के तरफ कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है वंशिका जी। इसके बारे में भी हम आगे क्लास में बात करेंगे जब पूरा ट्रेट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि ये बच्ची हैं और अभी पढ़ाई कर रही हैं, तो एक और इवेंट देखते हैं जो इनको शायद मैच करने का हम लोग कोशिश करें, ठीक है। तो अब इसमें एक और इवेंट हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाने का कोशिश करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं, देखने का कोशिश करते हैं। एक नंबर होता है कैरियर। कैरियर का जो नंबर होता है, कैरियर के लिए कौन कौन सा घर जिम्मेवार होता है, कोई बताएगा फटाफट में? प्राइमरी टेंथ हाउस कैरियर के लिए, कैरियर के लिए, और सॉरी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए कैरियर नहीं देखते हम, एजुकेशन देखते हैं, क्योंकि 18 साल की है तो एक कैरियर में हमें समझ नहीं आएगा, फिर लोग कहेंगे कि वो ऐसा इवेंट पढ़ा के चले गए जो इनको अभी आएगा ही नहीं। तो हम लोग एजुकेशन में आते हैं, अभी अभी एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कौन कौन सा घर देखते हैं बताएंगे? फिफ्थ और नाइन्थ जी, और सर टू भी देखते हैं प्राइमरी के लिए। तो टू जो होता है ना मैम, दो सेकेंड हाउस जो होता है वो आपके पारिवारिक एजुकेशन को दिखाता है, घर का जो आपका मॉरल एजुकेशन होता है जिसको मॉरल एजुकेशन बोलते हैं ना, जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं, उसके पढ़ाई के लिए हम लोग टू को लेते हैं। वो अदरवाइज हम जो प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं वो हम करते हैं फोर्थ हाउस से। तो क्या क्या नंबर होना चाहिए हमारे पास? 4, 9, 11 क्या क्या नंबर होना चाहिए? 4, 9, 11 और एजुकेशन का कारक घर कौन सा होगा सर? जुपिटर। कारक घर मैंने पूछा, जुपिटर नहीं पूछा मैंने। सर कौन सा हाउस होगा सर? फोर्थ होगा। बिल्कुल, और उसका जो प्लैनेट होगा वो होगा जुपिटर। जुपिटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4, 9, 11 अब इनका पता चल जाएगा कि आपको इनका मार्स कितना आता होगा, मतलब इनका पढ़ाई में क्या रहता होगा। कोई अभी रिसेंटली पेपर दिया है मैम? लास्ट 12th का पेपर कब था आपका सर? 12th का तो हो गया, अभी बीए फर्स्ट ईयर के दिए हैं सर। कब दिया है सर? अगस्त में दिए थे, अगस्त में खत्म हुए। रिजल्ट आ गया? नहीं, हाँ सर थोड़ा बहुत आ गया, मतलब ठीक है, दिखाता हूँ। हाँ जी सर, राहु के दौरान आपका पेपर हुआ है, ठीक है, और राहु में ही रिजल्ट आ जाएगा, यानी 4 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा आपका,
सर वो तो डिपेंड करता है कि क्या यूनिवर्सिटी है तो वहां पे थोड़ा डिले हो जाता है, जनवरी तक कर रहे हैं। हां तो अभी देखिए हम राहु में आपने पेपर दिया, पेपर की बात हम यहां आगे करते हैं। पेपर के बारे में बात करते हैं तो एजुकेशन में क्योंकि 6, 8, 12 अगर जहां पे प्रॉपर तरीके से आएगा तो एजुकेशन को ब्रेक करेगा, रोकेगा। और क्योंकि 4, 9, 11 टू भी मॉरल एजुकेशन के बारे में बात करता है, जो बिल्कुल आपने किया होगा इस दौरान में, कोई भी संस्कार वाली पढ़ाई, मॉरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एजुकेशन होता है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया होगा। इस समय आपने जो देखा होगा राहु, शनि और गुरु, तीनों प्लानेट को हम देखेंगे तो पहले शनि को ही देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, 4, 9, 11 का बात कर रहा है, जुपिटर में भी आपका बात कर रहा है 4, 9, 11 का, 2 यहाँ पे भी रिलेट कर रहा है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, इस शनि का महादशा, जुपिटर के दशा, शनि का महादशा जो है आपको ये जो आप स्पिरिचुअल लाइन में भी जाना चाह रही है, जो ऑकल्ट साइंस के तरफ जा रही है, ये इसको भी ये बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा चीज आपने देखा होगा मैम, जो अभी पेपर दिया होगा वो पेपर आपने देखा होगा कि इतना बहुत अच्छा नहीं गया होगा, जो आपका एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से आपका ये पेपर पार्ट बी ए पार्ट वन का नहीं गया है, सही या गलत है? जी सर, बिकॉज नया था तो साइकोलॉजी में कर रही हूँ, तो जैसे 12th तक मेरे पास नहीं थी साइकोलॉजी, अभी मैंने जब रिसेंटली ली तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, बट ठीक नंबर्स उसमें भी रहे, बट अप टू मार्क नहीं कह सकते। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे राहु में देखिए आपका 6, 8, 12 का बात कर रहा है। जी सर, तो ये आपका गड़बड़, लेकिन फिर भी जो आपको जितना आपको मार्क चाहिए उससे ज्यादा ही मार्क्स आएगा, यानी कि हम मान के चले कि आपका जो ओवरऑल मार्क्स देखेंगे तो 80 के आसपास रहेगा, 80 के आसपास रहेगा आपका मार्क्स, 75-80% के आसपास आपके मार्क्स होंगे, सही है गलत? यस सर, अभी टोटल आएगा तो यही रहेगा, मतलब जो मैं 80% बात कर रहा हूँ उससे 5-6% नीचे और 5-6% ऊपर की बात कर रहा हूँ। जी सर, ये सबको क्लियर आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कौन कौन बता सकता है यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अरुण जी? सर क्योंकि वो जो आपने अभी दिखाया ना उसमें सर वो 4-11 का जो संबंध बनना था वो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है सर। 4 और 11 के संबंध बने तो क्या होगा, नंबर अच्छा नहीं आएगा? सर नंबर अच्छा आएगा लेकिन सर मैं नहीं बता पाऊंगा, कंपटीशन का छठा भाव और एजुकेशन का सर 9th भाव देखते हैं। तो वैदिक में अगर किसी का मार्क्स कितना परसेंट आएगा, फेल होगा पास होगा, इसके लिए आप 2, 6 और कौन सा हाव भाव बोलते हैं? 2, 6 और 9 को देखते हैं, और 6th हाउस से आपको रिजल्ट का पता चलेगा कंपटीशन से रिलेटेड। सर मैं बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, कंपटीशन के लिए है 6th हाउस लेकिन एजुकेशन के लिए नहीं है, एजुकेशन में वो ब्रेक करेगा। जी कंपटीशन में आपको वो सपोर्ट करेगा। जी 6, 8, 12 अगर बन गया तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका एजुकेशन में ब्रेक भी लेकर के आ जाएगा। अब आगे हम चेक करते हैं कि इनके एजुकेशन में ब्रेक है कि नहीं। जी तो यहाँ पे देखिए क्योंकि चंद्रमा, जब भी इनका चंद्रमा का पेपर दशा अंतर दशा में पेपर होगा तो हो सकता है कि इनका एजुकेशन में बहुत बेकार मार्क्स आए या फिर उनका कोई ना कोई सप्लीमेंट्री एक पेपर लग जाएगा। तो ये अब इनसे हमें पीछे पीछे जा करके बात करनी पड़ेगी कि चंद्रमा में कभी इनका कोई पेपर हुआ है क्या। तो मैं अभी मैम से बात करूंगा इस बारे में, मैम कि आपका कभी ऐसा कुछ लगा है क्या पेपर, या किसी वजह से कोई चीज रह गया है? सर लकीली मेरा कोई एग्जाम हुआ ही नहीं उस टाइम में, और मैंने एडमिशन करवाया था बट मेरा कोई एग्जाम नहीं हुआ लकीली। अगर ये होता तो आप देखती कि उसमें फेल हो जाते या फिर सर चंद्रमा के उसमें क्यों
चंद्रमा में सर वो नंबर ही नहीं दिखा रहा है, जो चंद्रमा है ना यहाँ पे आप चंद्रमा में देखिए क्या नंबर दिखा रहा है, जो बोला 4, 4, 9, 11 में से कोई भी नंबर चंद्रमा में नहीं है जी सर, और 8 और 12 है जी सर। ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर को हम लोग कैसे देखते हैं, या जो आठवां हाउस होता है अरुण जी? जी सर। आठवां हाउस मतलब क्या वैदिक में भी? सर गुड रहस्य और रिसर्च में है सर आठवां भाव। ओके, आठवां हाउस क्या हमारे लिए कष्टकारी भी होता है क्या, अगर रिसर्च में जाते हैं तो? सर दुख स्थान है। ठीक है, उसको ले लिए। बारहवां हाउस किसके लिए लेते हैं हम लोग? बारहवां हाउस, बारहवां हाउस सर एक्सपेंडिचर और विदेश यात्रा और मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह, और सही है। फ्यूचर का लॉस भी बोल सकते हैं क्या? लॉस, फ्यूचर का लॉस भी बोलते हैं सर। तो 8 प्रॉब्लम और 12 लॉस, दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा एग्जाम में? लॉस। समझ गए? इजी। जी जी। इसको अभी हम आगे, आज अब इसको हाउसेज के ट्रेड्स को हम नहीं बताना चाह रहे थे, हाउसेज के ट्रेड्स हम आगे बताएंगे क्लासेज में आपको, क्योंकि उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, 1 से लेकर 12 घर का पूरे हाउसेज का क्या ट्रेड्स होगा और उसको कैसे हम यहाँ पे नंबर में रिलेट करके देख रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको एक एक करके बताएंगे यहाँ पे। खाली थोड़ा सा आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए चीजें लेकर के हम आए कि इनका एजुकेशन में आपको मैच करा दूं, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें इनको आप लोगों को समझ आ जाए कि इनके, क्योंकि ये 18 साल की लड़की है और ये अगर हमारे यहाँ पढ़ रही है और इनको हम बता पाए कि आपका जो एजुकेशन में जो इस समय पेपर दिया है इसमें आपको 80% के आसपास मार्क्स आएगा, यानी 5-6% नीचे या 5-6% ऊपर, इससे ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता, चाहे कितना भी आपको अच्छा लिख कर आई है। तो ये चीजें दिखेगी, अभी ये क्लास में ही है, पढ़ते पढ़ते इनका नंबर आ जाएगा और पढ़ते पढ़ते हम देख लेंगे। ठीक है, ये इस साइंस का सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि मैरिज में कितनी दिक्कतें होंगी, मैरिज बड़ा आसानी से होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें, क्या डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। अब आपको मैं लिख के दे सकता हूं कि इनके मैरिज हो गया तो डाइवोर्स नहीं होगा, इसी रीजन से हस्बैंड वाइफ अलग रह सकते हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा, अगर हस्बैंड का बहुत ज्यादा खराब कुंडली नहीं है तो, यानी कि इनके हस्बैंड के कुंडली में 116 116 116 बहुत ज्यादा प्लैनेट में आ गया तभी डाइवोर्स होगा, अदरवाइज डाइवोर्स लेना प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है अरुण सर, समझ आ रहा है मैं क्यों बोला ये बात? जी सर, जी सर। क्यों बोला सर? उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बार आ रहा था लेकिन जो डाइवोर्स वाली जो स्थिति आपने बताया उसमें वो कम आ रहा है। आ ही नहीं रहा है ना सर, एक आदमी आ रहा है बाकी नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। बट मैरिज लाइफ देखोगे कि बहुत अच्छा इनका नहीं रहेगा, क्योंकि सर मे भी हो सकते हैं ये डाइवोर्स ना हो लेकिन दूरियां बनी रहेंगे आई थिंक, जहां तक क्यों मैंने ऐसा बोला क्योंकि सेवेंथ बहुत जैसे प्लैनेट वो बार-बार रिपीट हो रहा है, सेवेंथ आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, बहुत प्लैनेट में सेवेंथ नहीं आ रहा है, टेन का बात बहुत जगह दिखा रहा है, 10, 6 आ रहा, 1 नहीं आ रहा है लेकिन 10, 10, 6, 10 आ रहा है। Actually, sir, ये जो सॉफ्टवेयर ना कभी मैंने आज लाइफ में पहली बार ही देखा सर, ये मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता तो थोड़ा उसको समझने में ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है सर। नहीं नहीं, ये बताएंगे हम, ये जो नंबर निकालना सिखाएंगे, सबसे मजेदार बात पता है क्या है सर? जी, नंबर जो यहाँ सॉफ्टवेयर में निकला हुआ है ना ये मैं आपको सिखाऊंगा और आप अपने घर पे निकालोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर। आप ये सॉफ्टवेयर को भूल जाइए, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको ये नंबर कहाँ से आया ये भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, ये कैसे बनेगा और ये 3 नंबर यहाँ क्यों लिखा हुआ, केतु राहु शुक्र ही क्यों लिखा हुआ है, मंगल केतु क्यों लिखा हुआ है, सूर्य सूर्य राहु क्यों लिखा है, ये सब हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। हाँ सर, वही ना, मैं थोड़ा यार एक चीज बार बार कैसे, थोड़ा सा लंबा अभी क्लास चलेगा क्योंकि मैं आज 1 घंटे का लेना चाह रहा था, वैसे भी अब 2 घंटा हो ही गया, तो आपको ये चीजें हम पढ़ाएंगे कि कोर्स में ये सारे नंबर कैसे निकलते हैं इस पे हम बात करेंगे और आपको हम ये नंबर ही निकालना सिखा देंगे। जब अरुण सर आचार्य सर हो के उनका इतना साल एक्सपीरियंस हो के वो जब समझ नहीं पा रहे तो हम लोग तो अभी बच्चे हैं मामले। अरे सर बिल्कुल आप बच्चे नहीं है, मैंने क्या बोला? हाँ बोलिए संतोष सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? यहाँ ये बोलना बिल्कुल भी ये है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज कैसा है ये साइंस अलग हो गया है, इन्होंने जो अभी तक इन्होंने काम किया है उससे अलग है ये, तो हमेशा ऐसा होता है कि डिफरेंट है। करेक्ट करेक्ट, तो हमेशा ऐसा होता है अलग ही पैरामीटर्स है अपेक्षित केपी के, तो मतलब
मतलब नाम ही है। आप अगर इसको उसका वैदिक के साथ रिलेट करके सीखेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल। तो आप लोगों को आज मैं केवल ये नमूना दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेकिन ये सबसे बेस्ट है, फॉर्मूला पकड़ लिए तो मास्टर बन जाएंगे। हाँ, आप फॉर्मूला पकड़ लिया वो मास्टर बन जाएंगे, बिल्कुल। आज जो हम आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऊंच का नीच का, ये इसको देख रहा है उसको देख रहा है, ये अंधा हो गया, ये कंबस्ट हो गया, ये जल गया, ये मर गया, ये पाप ग्रह है, पुण्य ग्रह है, ये नीच का हो रहा, भंग योग बना दिया, राजयोग, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। एकदम सिंपल सा तरीका है, आ रहा हूं वंशिका जी आपके पास, एकदम सिंपल सा तरीका है, जो नंबर को देखना है, दैट्स इट। इनके नंबर क्या कह रहे हैं नंबर? सर एक चीज में पूछ रहा था, जो जो ये कुंडली का जो डिस्कशन करना होता है, जो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है आदमी का, तो क्यों हो रहा है, का क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, इसको तो सीखना चाहिए ना। डिकोड करेंगे कि ऐसा क्यों होगा। हाँ, वो चीज तो सीखना है ना। जब सारे नंबर के मतलब हम समझाएंगे आपको, वो अपने आप समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। को ना एक चीज की कंफ्यूजन थी, जैसे एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि वैदिक से किसी से पूछ रहे हैं या पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई कह रहा है कि जैसे मंगलिक है या नहीं है, मेरे को वो चीज की बहुत कंफ्यूजन है माइंड में। मंगलिक है, मंगलिक है सर, पक्का है आपके 12वें घर में मंगल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि केवल 7th हाउस में है तो मंगलिक है, बाकी हाउस में है तो आंशिक मांगलिक है, लेकिन मैं यहाँ लिख के वो क्या हो रहा है कि शनि भी है उनके साथ, तो कई लोग कहते थे कि कैंसल हो गया, बट पता नहीं ये क्या है मुझे पता है, और कोई आपका पक्का नहीं होता है, लेकिन मांगलिक है उसका हम ट्रेड से अलग है, वैदिक में हम पढ़ाते हैं, वैदिक क्लास में, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो घर होता है, चलो सब वैदिक वाले हैं पता ही होगा, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 1, 4, 7, 8, 12, इन 5 हाउसेज में जब मंगल बैठा रहेगा तो मांगलिक होगा ही होगा। अब इन पांचों मांगलिक का अलग अलग असर है। फर्स्ट हाउस में मंगल रहेगा तो क्या इंपैक्ट देगा, सेकंड हाउस में मंगल रहेगा तो क्या इंपैक्ट देगा, सॉरी फोर्थ हाउस में मंगल रहेगा तो क्या इंपैक्ट देगा, 7 में क्या देगा, 8 में क्या देगा, 12, सब में बराबर नहीं देगा। और सारे को देखा जाता है कि खाली शादी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मांगलिक नहीं होता है, मांगलिक के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे जिसका भी फोर्थ हाउस में मंगल होगा, आप देख लेना जाके, उसका कभी भी ससुराल से नहीं बनेगा, उसके ससुराल से समझ लो कि बातचीत बंदी होगा, किसी के भी मंगल फोर्थ हाउस में हो आप जाके चेक कर लेना आपका है सर, ससुराल से आपकी बंदी इतना अच्छा नहीं है, चलेगा, मीडियम मीडियम भी नहीं है सर, चलेगा, क्योंकि क्योंकि होता है ना कहावत है कि जिसकी जिसकी सिस्टर अंदर उसका भाई सिकंदर, वो वाली बात है, बिल्कुल नहीं चलेगा। कि पत्नी की कुंडली ऐसी होगी कि पत्नी के साथ आपका रिश्ता अच्छा होने की वजह से आप कभी भी आप प्रेफर नहीं करेंगे ससुराल में जाके 10 दिन रहने का, कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे ससुराल वालों से मिलकर काम करने का, आपको बिल्कुल नहीं जमेगा, काम चलाऊ वाला बात ही नहीं है। तो मेरे को और वैसे ही 7th वाला का क्या काम करेगा, 8th वाले का क्या काम करेगा, 12th वाले का क्या काम करेगा, 1 वाले का क्या काम करेगा, इनका एक पावर है, इस हाउस में मंगल होगा तो क्या करेगा, ये वैदिक का बात है, वैदिक पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। यहाँ पे हम केपी का बात करेंगे, जब केपी एस्ट्रोलॉजी में हम मांगलिक कल्प सर्पयोग ये सब मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते कि कुछ मांगलिक कुछ होता है, हम नहीं मानते हैं कि कालसर योग कुछ होता है, हम केवल मानते हैं कि नंबर आपका क्या कह रहा है, अगर आपका नंबर कह रहा है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर आपका नंबर कह रहा है निगेटिव है तो निगेटिव है, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग वैदिक में हैं, जो लोग भी हैं, 7th हाउस में मंगल है, आपने ये बोला कि भैया मांगलिक लड़की से शादी करा दो या मांगलिक लड़का से शादी करा दो, हमने मांगलिक लड़का से शादी करा दिया, क्या आप गारंटी लेते हैं कि उसका मैरिज लाइफ अच्छा जाएगा? आज से आप लोगों का टास्क है अरुण जी, आज से एस्ट्रोलॉजर ढूंढना शुरू कर देना। जी सर, जी सर। और बोलना कि भैया तुम, मैं मांगलिक से ही शादी कराऊंगा, क्या ये गारंटी लेगा तुम स्टैम्प पेपर पे लिख के कि तेरा शादी डाइवोर्स नहीं होगा? अगर वो बोल देगा तो मेरे से मिलाना, मैं कई कुंडली ऐसा दिखा दूंगा मेरे पास है जिनका डाइवोर्स हुआ,
और 36 गुण में से 34 गुण, किसी का 32 गुण, किसी का 28 गुण मिलान हुआ है, और दोनों के सातवें हाउस में मंगल बैठा है और तलाक हुआ, तो फिर मांगलिक का फायदा क्या? अब मैं आपको बताता हूं, मांगलिक तो मैच करा दिए, लेकिन अगर उसके 9 प्लैनेट में से 7 प्लैनेट 1610 का बात कर रहा, जैसे 1610 आ गया, हो गया तलाक, रोक लो तुम मांगलिक से, मांगलिक का शादी करा के करा लो, काल सर्प योग का शादी, पूजा जो मर्जी कराना है करा लो, मटका से शादी करा दो, मछली से शादी करा दो, पेड़ से शादी करा दो, कुछ नहीं होता इससे। मांगलिक का असर है वो हम आपको ट्रेस बताएंगे, अगर वैदिक की कभी पढ़ाई होगी तो, कि मांगलिक में कौन सा मंगल का क्या असर है, ये हम आपको आगे अगर कोई क्लास होगा तो, क्योंकि केपी का पार्ट नहीं है तो यहां हम पढ़ाएंगे तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इन चीजों पे टच नहीं करूंगा, खाली मैम का क्वेश्चन था इसलिए मैंने कुछ बोला था। संतोष सर कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ मथुरा सर आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे क्या? पहले मथुरा सर का विचार लेते हैं इसमें, हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पूजनीय है, बताएं। कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि शनि के साथ मंगल बैठा है तो सर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भंग हो गया, भंग नहीं हुआ तो और बढ़ गया शनि के साथ। चौथे भाव में केतु है तो सर इस केतु का भी इम्पैक्ट आएगा, चौथे भाव के केतु का क्या इम्पैक्ट आता है सर? मैं वैदिक में देखें तो जहां तक हम मंगल दोष की बात करें, मंगल दोष मंगल के अलावा जो शनि केतु राहु और सूर्य वो भी इसमें रोल अदा करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट आता है। मैम आपको नींद की प्रॉब्लम है क्या? सर ऐसा तो नहीं है, बट जनरली रात को लेट ही सोते हैं, काम वगैरह में काम ज्यादा करती हैं, और एक बार अगर नींद टूट गया तो क्या नींद लगने में आसानी होती है? सर आई मतलब आ जाती है थोड़ी। रिलैक्सेशन कभी लाइफ में हुआ है आपका? सर अभी तो नहीं हुआ, मतलब पहले हुआ हो बचपन में, तो पहले हुआ होगा लेकिन नहीं भी होगा मेरे को जहां तक आशा है, लेकिन मैरिज के बाद अगर आपने कुंडली ढंग से मैच नहीं कराया तो मैरिज के बाद आप बहुत लंबी हॉस्पिटलाइजेशन में जाएंगे। नहीं सर करवाएंगे डेफिनेटली सर, अब तो आपसे कर लीजिएगा करवाएंगे नहीं सर, बट फिर भी अब आप अपना खुद मैच करना, क्या करवाओगे? ये हम दिखाएंगे, पक्का लंबा हॉस्पिटलाइजेशन होगा आप लोग। नहीं सर अगर नहीं सर मैचिंग कर ली तो ठीक रहेगा ना, रहेगा प्रॉब्लम तो आएगा। मैंने क्या बोला, पहले ही बोला था क्लास चालू होने के पहले कि कुछ भी खत्म नहीं होता है, प्रॉब्लम रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा लेकिन कम होगा जी सर, उसका भी हम आगे देख लेंगे, कुछ रेमेडी में होगा तो उपाय देख लेंगे, चिंता ना करें जी सर। थैंक यू सर। प्रॉब्लम जो है वो तो आएगा ही आएगा, ये आप लोग और ढूंढ लीजिएगा, जिसका भी बारे में घर में मंगल शनि के साथ बैठा है उनको आप चेक कर लीजिएगा कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर मैरिज हुआ ही हुआ। सर अगर साथ में शुक्र आ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कमी आ जाएगी या बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता सर? वो तो तीन आएगा तो थोड़ा अलग ट्रेस, फिर हम वैदिक में चले जाएंगे, ज्यादा नहीं मैं पढ़ा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ाता क्लास में, इसलिए मैं नहीं बात करता हूँ, ये सर ही पढ़ाएंगे क्लास, आप लोग का ज्यादातर यही लेंगे, क्योंकि मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं मेरे पास जो क्वेश्चन आता है उसी के डीप में चला जाता हूँ, क्योंकि देखिए मंगलिक वाला मंगल वगैरह मैं पढ़ाता ही नहीं अपने कोर्स में, कि कौन कौन सा घर का मंगल होता है यही नहीं बताता मैं, मंगलिक बताता ही नहीं, और मंगल में क्या प्रभाव आएगा कौन सा हाउस है सब तो दूर की बात, लेकिन आपको बता दिया ठीक, ये सब चेक करिएगा आप लोग। वैसे न्यूमरोलॉजी में जैसे मेम का साथ है, साथ वाला चीज देखिएगा, हमेशा देखेंगे कि सिक्योरिटी 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 ये चीजें आपके साथ लगी रहेगी चीजें, रिसर्च डीप रिसर्च एकदम तह तक जाना, एक होता ना बाल का खाल निकालना, तो आपको उसमें ज्यादा आनंद आएगा कि एकदम तह तक जाना, आप बहुत अच्छी लकी होंगी, लक आपको काफी सपोर्ट करेगा आगे जाकर के, यूनिवर्स आपके लिए होगा, लेकिन हमेशा एक चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी आपको, कि आपको लगेगा कि कुछ चीजें जो है हमें मिला ही नहीं जो हमें मिलना चाहिए था,
यानी कि जो भी आपको मिल जाएगा वो आपको कम लगेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो सर कुछ और ऐड करना चाहेंगे? ये तो खुद अभी इम्यूनोलॉजिस्ट है तो 7 नंबर के बारे में सारा कुछ जानती ही होंगी आई होप। ठीक है, तो 7 नंबर जैसा कि बात करता है, जैसे अभी सर ने बताया कि सिक्योरिटी, यस ये तो होगा ही आप में कि किस तरीके से मैं अपना लाइफ को सिक्योर करूं। और बट ऐसा नहीं है कि सिक्योर करने में मैं अपनी चीजों को यूज नहीं करूं, यूज भी करना है अपने तरीके से, सामने वाले को पता नहीं चलेगा मैं क्या यूज कर रहा हूं। अब आपके लाइफ में बहुत सारी वैसी चीजें होंगी जो सिर्फ आपको पता है या बहुत कम लोगों को पता रहेगा, और आपके लाइफ में चीजें हो रही हैं और अभी भी हो रही होंगी। ठीक है, शायद अभी हम लोग आगे जब चलेंगे तो ये और क्लियर होगा। बट 7 नंबर इस तरीके से करेगा कि चीजों को यूज भी करेगा और कंप्लेन भी करेगा और अपने आप को सुरक्षित भी रखेगा, ये चीजें। और 7 जो होता है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिलेशंस में, तो इसको जितनी अपनी बात समझ में आती है ना, अपनी प्रॉब्लम या अपनी जो भी विश होती है, सामने वाले की बातें उतनी समझ में नहीं आती, अपने बारे में कंसर्न थोड़ा अधिक रहता है। ठीक है, सब न्यूमोलॉजिस्ट लोग हैं, सबको तो सब पता ही होगा सर, पता ही होगा संजय सर जो आपने हमने बोला, ये तो कुछ नया बोला नहीं हमने। जी सर आपको भी पता ही होगा वंशिका जी। जी सर, टीम ट्रेड 7 का सबसे मेन होता है यूज भी करेंगे और बोलेंगे भी नहीं, उसका थैंक्स भी नहीं बोलेंगे और उसमें प्रॉब्लम भी निकालेंगे। ये 3 काम आपके लिए फिक्स है लाइफ में। आगे और बात करेंगे 14, क्योंकि 14 से 5 आ रहा है उसका भी एक अलग तरीका है, ये पैथागोरियन पढ़े हैं संजय जी तो इनको पता होगा। तो ठीक है, अभी हम लोग क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगले इस बुधवार को नहीं, क्योंकि हफ्ता में एक दिन पढ़ाई होगा, अगले बुधवार को हम लोग 8:30 मिलेंगे और 10:30 तक पढ़ाई होगी। आप लोग अपना टाइम निकाल के, कई लोग आज बीच में चले गए तो उनको बोलना है कि भैया ऐसे ना जाए, और हम लोग पढ़ेंगे और आप ही लोग कुंडली ले लेकर के हम मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, चीजों को निकालेंगे, अगली बार किसी और का लेंगे, अभी हम लोग कुछ और देखेंगे कि कैसे करना है। और अब हम आपको ट्रेड्स बताएंगे कि ये जो नंबर के बारे में बात किया ना कि 7, 11, 2 ही क्यों लिया, 1, 6, 10 ही क्यों लिया, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ बाकी के नंबर आ रहे हैं, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है तो क्या होगा, 7 नहीं आ रहा है, 2, 11 आ रहा है तो क्या होगा, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि इसको कैसे आपके लाइफ से एक्यूरेटली जोड़ सके। जो हमने बात की आज की 75% से 85% के बीच में ही मार्क्स आएगा, ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा आपको, वो हमने क्यों बोला उसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, आपने लिया एग्जांपल उसके लिए थैंक यू सो मच सर। एंड सर मेको ये था, नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं होगी, मतलब इस बुधवार को नहीं होगी, उसके बाद अगले बुधवार से हर बुधवार, मतलब इस वीक कोई क्लास नहीं है, नेक्स्ट वीक है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया, काफी चीजें मैंने रिलेट की, थैंक यू सो मच सर आपने एग्जांपल। अभी आगे लेंगे आप ही सबका डेट, आप चिंता ना कि आपका पूरा प्रेडिक्शन इसी बैच में होगा। आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रेडिक्शन मैं आज नाम अनाउंस कर देता हूं, संजय करेंगे। ओके सर, इसको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है, ये आपका प्रेडिक्शन करेंगे और इसी बैच में करेंगे। और A to Z प्रेडिक्शन संजय जी आप करोगे, इसके लिए आप तैयार रहना, आज ही भविष्यवाणी कर दिया मैंने। आपका आशीर्वाद रहे तो श्योर होगा, पक्का है सर, पक्का। और आप ही करोगे प्रेडिक्शन और ये सब लोग कहेंगे वाओ, जिसको कुछ भी नहीं आता वो इतना प्रेडिक्शन अच्छा कर रहा है, ऐसा मैं कराऊंगा। वंशिका जी का प्रेडिक्शन संजय जी करेंगे, एस्ट्रोलॉजर हो गया ये, इनका 5100 रुपया फी हो गया कि भैया ये तैयार हो गए। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, जय माता दी, टू वर्ल्ड।